समस्त हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरिवो ये गोटे कथा लिखाई जाए बढ़िया कथा लिखाई जाए संसार संजोग केवल दुख ही परिपूर्ण संसार रहा पड़ो कि सारूपत्र पानी गला रहा पड़ो नहीं माताजी ना कौन हम संसार विषय भोग से भव सगर बुड़ी त्राहीमाम त्राही लक्ष्मण एथिपाई भगवान संसार को दुख रूप कहते दुख संजोग वियोगम जोगो संगीतम छ अध्याय तेईस श्लोक भगवद्गीता दुखालयम आठ अध्याय पचीस श्लोक प्रत्येक संजोग वियोग आवश्यक हुए प्रत्येक संजोग जहाँ संजोग होना वियोग हम ना गोटे जिनसे डाली आसला कहीं खाई खाईद से काटे आसला कई दिन भांगी सब जो वियोग आम पाक किसी दिन आस कौन हम वियोग तो सब संजोग वियोग अवश्य हुए एवं वियोग दुख होता कथा समस्त को भी जना गोटे जिनसे आस भांगी नुआ जिन दुख करते ना तार वियोग दुख करचे ना नहीं दुख करचे हेले जदि आम संजोग इच्छा छाड़ीदे तेरे आम को तहार वियोग दुख हे ना संजोग तो इच्छा ना वियोग कौन हम तु संजोग मत दुख ना कि वियोग दुख ना है स्थित प्रज्ञ संजोग इच्छा ही दुखर कारण दुखर घर संजोग इच्छा कहीं हुए ताल कारण संजोग जनित सुख भोग द्वारा आम अंतकरण में तहार संस्कार रही जाऊँच आम बहु जन्म बहु जिन संजोग आम जीवन में बहुत जिनस पाइचे भोग करचे से संजोग जनित जो सुखटा पाई से संस्कार पूर्व पूर्व जन्मर बहु जन्मर से आम सांगे पलि आसला संजोग जनित सुख भोग द्वारा आम अंतकरण तरह संस्कार रही जाऊँच जहाँ को बासना कहती पुनर्वार जिते भोग्य वस्तु सम्मुख को आसूल से बासना जग्रत हो जाऊँच मन कर आम गोटे फिल्म देखिया से फिल्म टा देखा संजोग है आम मन में किसी तार कौन अंतकरण से तार किसी कपी पेस्ट हो गला तार कि छवि ये प्रति मानते दलित हो गला जिते आम छाड़ा वियोग दुख ले फिल्मा आगे देखी था देखे एमती मन हो कितने दिन पर संस्कार गोटे आसगला किसी दिन पर आउे फिल्म देखिए सुजोग मिले से कथा मन पड़ो से संस्कार है कुसंस्कार हो कि सुसंस्कार हो मन पड़ो मन पड़ापर कौन हम ना ए आउ थे देखिए से आम कह भोग्य वस्तु सम्मुख आसला मान से बासना जाग्रत हो जाऊँच फल संजोग रुचि उत्पन्न होजोग रुचि इच्छा उत्पन्न हो जाऊँगी एणु भगवान कहते समस्त संजोग जनित सुख आदि अंत युक्त जी संजोग जनित सुख आर आदि अच्छे अंत अच्छे है ओ दुखर कारण अर्थात से केवल दुख ही सृष्टि हुए यही सब भगवत ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान जान लगा आम संसार में सुख रही पार ना संजोग जनित दुख वियोग जनित दुख किए कहीदे दुख क्या आम कहीदे दुख इमें दुख 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 देखिए खाली कटो परमात्मा नाम निशान ना भगवान को भक्ति करार कड़े गला खाली ये संसार जड़ वस्तु आक ये प्रपंच विषय में माति 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 जीवन को नर्क करोक नर्क परलोक नर्क गति हम हरि बोलो हरि बोलो बाबा प्रवचन देले आज को टिकट पर कंफर्म कंफर्म नहीं कंफर्म हो वो हला एति भाई आरो निर्जरता कोन आसी पहुचला निर्जरता कोड़ देवा आज भगवान को भाई चकुली हो हरि हो माता जी सकल उठी चकुली करचंदी आ सब बेले भगवान जदी खाली अन्न प्रसाद खाली खाइबे पाइबे ताले का खाली मुंडो अन्न 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 कते खाती अन्न ते खाती अन्न एक टिके टिके इडली कहले जे प्रभुजी मत कहले स्त्री सी माताजी कौन कहते वैष्णव परंपरा को आसतु सब जानवे माताजी ही समय माताजी सी माताजी सी प्रभुजी प्रभुजी मत मत प्रभुजी डाक कथा कल इडली माताजी करते आम भिडियो पकई पार्लु आप देखी पार्लु ठीक अच्छे आज चकली प्रसाद प्रस्तुत करके भगवान को अर्पण सरचार आम पाइबू निर्जास्टा आम कौन पहुँची पारे कथा होती बेकी मनुष्य से रमण करती ना दे डोंट ट्रावल दे डोंट कौन आशा रखती ना दो मानने से मैंने रमण करती ना मानने कौन जे ही स्पर्श सजा भोगा दुख जौन यो एवते आद्यंतवंत कौंते न तेसु रमते बुद्ध गीता पंचम अध्याय बाईस श्लोक एक कथा भगवान कहते हैं कारण संजोग जनित सुखर वियोग अवश्यम भावी से रमण करने को इच्छा कले निश्चय ता दुख देव से आम संसार जो संजोग जनित सब क्रिया प्रक्रिया अच्छी तांगे
कंटाक्ट रखा ना बास खाली भगवत धाम को जीवाई साधना करवा बचा बढ़िया जीवन को कटेगा तो मुझे देखे समय देखे मुझे सो आज प्रभु हरि बो तो आज भगवान प्रस्तुत चकुल प्रसाद को आम पाइबु आपण मान कार्यक्रम निज जीवन को अतिवाहित करूँ जहाँ कि परम कल्याण कौन कथा तत्व मार्ग माँ प्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्यम वदन राजन विश्वास नव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहि कारण महाप्रसाद हरे कृष्ण हरे हरि बोल।